Hello students, today we are going to learn periodic classification of elements. It's a 10th science part 1 chapter 2. So periodic classification of elements, what is the classification of elements, what are the laws and theories, kya kya laws hai, kya theories hai jo periodic classification banane ke liye ya periodic table banane ke liye unke efforts hai, one by one hum sab learn karne wale hai. Aur basically बहुत ही इजी चैप्टर है ये. एक्चुअली क्यों है ना, क्योंकि पीरियडिक टेबल अगर आपको ये सब इजी हो गया, जैसे कि लॉज थेरीज अंडरस्टैंड हो गए, तो पीरियडिक टेबल आपको भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. इतना सिंपल उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है. वी आर ट्राइंग, हम भी वैसे ही आपको पूरा अंडरस्टैंड हो उसके लिए हम अपने एफर्ट्स डेफिनेटली लगाएंगे कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए. तो बेसिकली हम ये चैप्टर में क्या क्या लर्न करने वाले हैं, पहला तो है what we are learn in this chapter, classification of elements. Classification of elements means elements के classification के लिए किन किन लोगों ने efforts लगाए. Second, आज का जो periodic table है वो कैसा है उसमें, और जो पहला वाला periodic table था या पहले जब जिन्होंने बनाने के लिए efforts लगाए, जो जो लोगों ने या जो जो scientist लोगों ने, तो उनमें क्या difference है, हम ये पहले तो अंडरस्टैंड कर लेंगे. सेकंड है डोबेनाइनर ट्रायड्स. हम ये देखेंगे कि डोबेनाइनर ट्रायड्स ने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किए थे, कैसा उनका एफर्ट्स लगाया कि पीरियडिक टेबल, हाउ यू कैन मेक इट पीरियडिक टेबल और इजीली अंडरस्टैंड दी पीरियडिक टेबल. सेकंड थ्योरी है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उन्होंने भी कैसे डोबेनाइनर ट्रायड्स के जो भी एक्सपीरियंस है उसको लेके उन्होंने कैसे आगे पीरियडिक टेबल किया है. एंड थर्ड, विच इज द मोस्ट सक्सेसफुल थेरी, और वी कैन से द लॉ दैट कॉल्ड एज अ मेंडेलियस लॉ ऑफ पीरियडिक टेबल. सो बेसिकली वी विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इन 1789 एंटोइन लॉइजर इज द फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने एक थ्योरी बोला था. व्हाट ही सेड, ही सेड एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ओनली टू टाइप्स, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. करेक्ट, उन्होंने जब पहले बोला तब वो बोल रहे थे कि एलिमेंट्स सिर्फ दो ही इसमें क्लासिफाइड हुआ है, एक है मेटल, सेकंड वन इज नॉन मेटल. करेक्ट, तो आज अगर हम देखेंगे मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटालॉइड्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, यब लॉग एलिमेंट्स है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, बहुत से है. But what he said only, metal are divided into, or elements are divided into two types, metals and non-metals. ये 1789 में first Antoine Lavoisier ने उनका experience और work का जो भी scientific experience है उन्होंने वो share किया था. और what he said, that is हमने वो पहले chapter या for आपने 9th में ये पढ़ा होगा. Okay, so now what is today, आज क्या है. Today's 118 elements are known to the scientific world. Correct. आज अगर आप periodic table देखते हैं तो periodic table में हमें 118 elements पता है, known है. आज periodic table में elements exist है. Correct. So अगर आप 1800 means in the 18th century में अगर आप जाते हैं तब उनको 30 elements पता थे पहले. 30 elements were known. अभी ये जो बीच के 200 साल से 18 से लेके 2000, सो ये बीच में जो भी एलिमेंट डिस्कवर है आज हमें पता है वो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स. ऑलमोस्ट कितने एलिमेंट्स अभी हमें पता है, वो 18 और ये 12, मीन्स ऑलमोस्ट 90 to 88 एलिमेंट्स हमने फिर से, या जो भी साइंटिस्ट है 200 ईयर्स में उन्होंने डिस्कवर किए हैं. So this is the classification or background of the classification of elements. Got it? Okay? Okay. So first theory. What is the first theory? First theory is Doberiner Triads. Doberiner is the German scientist. In 1817 mein unhone kya proposed kiya tha? What he proposed? He suggested or proposed that the properties of elements are related to their atomic masses. Jo bhi properties hai, it is related to atomic masses. Now atomic masses, what you, I think aapko pata hai ki atomic masses kya hota hai. Agar jinko nahi pata hai ya nahi bhi clear hai to hum clear karwa ke dete hain. So atomic masses,
हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं कभी कभी, एटॉमिक मासेस बोलते हैं या एटॉमिक वेट. सो एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास आर दी सिमिलर कंसेप्ट. व्हाट इज द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज सिंपली डिनोटेड बाय कैपिटल ए. एटॉमिक मास इज सिंपली डिनोटेड बाय कैपिटल ए. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास डेफिनेशन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम होते हैं या सर्कल में होते हैं. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक मासेस. सो व्हाट डोबेनायर डीड्स, व्हाट ही डीड, सिंपली ही पुट सच इलिमेंट्स इन द ग्रुप्स ऑफ थ्री. उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स बनाए तीन तीन इलिमेंट्स के. दिस ग्रुप्स ऑफ थ्री इलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रायड्स. वो तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को उन्होंने दे व्हाट ही कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रायड्स, बिकॉज तीन है इसलिए ट्रायड सिंपल. सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायड्स हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. जिनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको उन्होंने ट्रायड्स में डाला है. सो व्हाट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटोमिक मासेस? एटोमिक मासेस एंड उनका जो भी प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज, उन्होंने वो क्या किया, रिलेशन में डाले हैं. फर्स्ट व्हाट इज डीड, देन व्हाट ही अरेंज द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. उन्होंने अरेंज की इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में. और व्हाट ही डीड, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वॉज एग्जैक्टली और अप्रॉक्सली मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायड्स. गॉट इट? व्हाट इज अरेंज द थ्री एलिमेंट्स, व्हाट इज सेड कि एटॉमिक मास ऑफ द टू विच इज एग्जैक्टली एवरेज ऑफ मिडल वन. जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, मिडल लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, उन्होंने ये तीन एलिमेंट्स बनाए जिनकी प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू सेम है या प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सिमिलर है तीनों के. सो व्हाट इज, व्हाट इट डिड, लिथियम एटॉमिक नंबर इज 6.9 और नॉट एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास. एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या है हम मॉडर्न में देखेंगे, बजा पहले तो एटॉमिक मास का अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज डोबेनायर डोंट नो दी एटॉमिक नंबर दैट टाइम. हु इज ओनली फोकस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू एटॉमिक मासेस. नाउ लिथियम एटॉमिक मास इज 6.9, पोटेशियम एटॉमिक मास इज 39.1. सो व्हाट इट डीड, एडिशन ऑफ 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय दैट इज द मीन ऑफ मिडल एंड विच इज द 23. सो 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. सिमिलरली कैल्शियम ट्रॉन्शियम बेरियम, वैसा ही उन्होंने कैल्शियम में भी किया, ट्रॉन्शियम में किया, बेरियम का किया, कैल्शियम एंड बेरियम का दोनों का एडिशन किया, मीन निकाला, दैट इज द 88.7 एंड अप्रॉक्स ट्रॉन्शियम एटॉमिक मास इज 87.6 एंड हियर इज 88.7. सो मीन्स इट्स एक्चुअली नियर टू क्लोज अप्रॉक्स वी कैन से. सिमिलर क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, टूडे वी कॉल एज अ हैलोजन फैमिली, हम उसको आज हैलोजन फैमिली बोलते हैं, बट वो भी प्रॉपर्टीज में सिमिलर है. उन्होंने ये तीनों का ग्रुप किया, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. सिमिलर 35.5, 126.9 डिवाइडेड बाय 2, 81.2 एंड अप्रॉक्स एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमियम. सिमिलर सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम, इट्स अगेन द 32 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 80 एंड द सेलेनियम एटॉमिक मास इज 79. दिस इज द थ्योरी और दिस इज द वे डोबेनायर पुट हिज नॉलेज इन टू दैट टू मेक इट ट्रायड्स और टू मेक इट अ पीरियडिक टेबल. ओके, सो जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी चीज़ करेंगे उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस होते हैं, कि कोई भी काम या कोई भी जो भी हमने डिसाइड किया कि वो अभी कर किया, डिसाइड किया, इसका मतलब 100% वो सक्सेसफुल हो गया नहीं. सक्सेसफुल के साइड, जैसा कि कोई ब्लैंक पेपर है उसमें एक डॉट है, हम लोग क्या करते हैं, डॉट देखते हैं. सिमिलरली वैसा ही है, उनका एक लिमिटेशंस भी था या हम बोल सकते हैं कि डिफेक्ट्स ये था कि क्या पहला डिफेक्ट उनका था कि ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इन टू द डोबेनायर ट्रायड्स. उस टाइम 30 एलिमेंट्स थे, तो 30 एलिमेंट्स उन्होंने ऑल थ्री थ्री का ग्रुप्स किया सिमिलर प्रॉपर्टीज का, ऐसा नहीं है चार पांच जो भी उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज के मिले उन्होंने वही एक्सप्लेन किए, बाकी के जो रिमेनिंग है ही कुड नॉट बी क्लासिफाइड इन टू दिस
डोबेनाइनर ट्रैक्स. गॉट इट? दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट. सेकंड, व्हाट इज सेकंड? लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स कुड नॉट बी ग्रुप इन टू द ट्रायड्स. जो भी लार्ज नंबर है सिमिलर, जैसा कि आज अगर हम देखेंगे डी ब्लॉक में, आज के पीरियडिक टेबल में, जैसा आयन है, मैंगनीज है, निकेल है, कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर है, ये एक ही डी ब्लॉक में आते हैं एक, ओके, बट ये सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं, ऑलमोस्ट नियर टू सिमिलर प्रॉपर्टीज है, बट ही कुड नॉट प्लेस इन द ट्रायड्स. ये जो एलिमेंट्स है डोबेनाइनर ट्रायड्स कुड नॉट बी प्लेस्ड दिस आयन मैंगनीज निकेल कोबाल्ट इन टू द ट्रायड्स. ये उनका एक दूसरा लिमिटेशन था. थर्ड वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द ट्रायड्स डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डोबेनाइनर ट्रायड्स. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जो भी कुछ ट्रायड्स लिए थे, जैसे कि कुछ उसमें से है कि जो जो मीन है उसका वो आ ही नहीं रहा था एटॉमिक मासेस का. जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, दिस इज द थ्री एग्जांपल. नाउ कॉपर एटॉमिक मास इज 63.5 एंड गोल्ड एटॉमिक मास इज 197. अगर 63.5 प्लस 197 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 130.25, बट एक्चुअली सिल्वर एटॉमिक मास इज ओनली 108. सो इसका मतलब ये वो फॉलो ही नहीं कर रहा है डोबेनाइनर ट्रायड जो है, वो फॉलो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अप्रॉक्स एटॉमिक मास जो आ रहा है 130, दैट इज 130, बट एक्चुअली है वो 108. सिमिलरली जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, द आंसर इज 132.5, बट एक्चुअली इट्स ओनली 112 ऑफ कैडमियम एटॉमिक मास. सो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ डोबेनाइनर ट्रायड्स. गॉट इट? एनी डाउट्स? दिस इज द वेरी क्रूशियल थ्योरी टू रिलेटेड टू पीरियडिक टेबल और टू मेक इट पीरियडिक टेबल. गॉट इट? नाउ सेकंड, एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड इज द साइंटिस्ट विच इज इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स. इन 1866 ही वॉट उन्होंने क्या किया 1866 में न्यूलैंड ने, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन जो लोवेस्ट एटॉमिक मास है, लोवेस्ट एटॉमिक मास इज हाइड्रोजन एंड एंडेड एट थोरियम. उन्होंने उस टाइम उनको 56 एलिमेंट्स ही गॉट टू नोन उस टाइम जो थे 1866 में. देखो पहले हमने 1817 में देखे तब 30 एलिमेंट नोन थे, बट जैसे ही ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 50 ईयर्स 50 साल के बाद आपको कितने एलिमेंट्स और मिल गए, एक 26, करेक्ट? इफ आई एम करेक्ट, 330 प्लस 56 इज 56. सो 56 एलिमेंट्स उस टाइम थे. तो उन्होंने हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक एलिमेंट्स को अरेंज करवाए, ओके? तो व्हाट ही नोटिस दैट व्हाट इन दिस 56 एलिमेंट्स व्हाट ही सेड द एथ एलिमेंट वाज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट. मींस जो भी हर एक अरेंजमेंट में है उसमें से जो पहला एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज किसकी हैं, दैट इज द एथ एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, जो भी आठवां एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज से, मीन्स पहला टू आठवां, ये जो है ये एग्जैक्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज है दोनों का, ऐसा न्यूलैंड्स ने अरेंज करवाया और उन्होंने बताया. देन व्हाट इज सेड कि जैसा न्यूलैंड्स बोल रहे थे कि पहला और ये, तो उन्होंने ये सब म्यूजिकल में अरेंज करवाया. जैसे आपको पता है म्यूजिकल नोट सा रे ग म प ध नी, सो उन्होंने क्या किया सारे गमा पदानी सा से, जैसे कि पहला हाइड्रोजन है उसके बाद का आने वाला आज के पीरियडिक टेबल में आने वाला जो एलिमेंट्स है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोरीन. फ्लोरीन इज द एट्थ एलिमेंट. तो उन्होंने क्या किया उसको इंडिकेट किया डू से, एंड हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये उन्होंने अरेंज करवाए कि भाई ये सा के या डू से, जो म्यूजिकल नोट है उसमें डू को उसको नोट करिए और ये म्यूजिकल बैकग्राउंड में और ये एलिमेंट्स उसमें ऐड करिए, क्योंकि उन्होंने व्हाट ही सेड द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन फर्स्ट एलिमेंट्स इज एग्जैक्टली सिमिलर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एट. पहले वाले की प्रॉपर्टीज आठवें वाले से बराबर मिलती जुलती है, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है. जैसा आप नोटिंग में देखेंगे रे,
रे का जो नोटिंग है दैट इज लिथियम सोडियम पोटेशियम कॉपर एंड रूबेडियम। तो उन्होंने ये भी लाइन एक अरेंज करवाई, जो भी लिथियम के बाद अगर आप सिर्फ नोबल गैस वाला जो है आफ्टर लिथियम, जैसा हेलियम देन नियॉन, नियॉन को छोड़ के लिथियम के बाद जो भी आपका आठवां एलिमेंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ सोडियम। तो उन्होंने वैसा ही लिथियम सोडियम पोटेशियम कॉपर रूबेडियम इसका भी एक नोटिंग किया और उसको उन्होंने अरेंज करवाया और उसका नाम दिया रे जैसा। तो ऐसा न्यूलैंड्स फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट्स इन अ टेबल ऑफ 7 × 8 दैट इज द 56 बॉक्सेस। उन्होंने क्या किया, 56 बॉक्स किया, बट उसमें टेबल कैसा किया, 7 × 8। 7 × 8 मीन्स अभी आप म्यूजिकल एलिमेंट्स का देखेंगे तो 7/8 ऐसे उन्होंने एक टेबल बनाया और वो था 56 बॉक्सेस का। इसका मतलब उसमें 56 जिसने एलिमेंट्स नोन थे उसका उन्होंने एक सिंपली पीरियड और पीरियडिक टेबल बनाया। तो जैसे आप देखेंगे गा में भी है बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक स्ट्रॉन्शियम है। देन अगर आप नीचे जाएंगे सारे गामा गामा में भी देखेंगे तो बोरॉन है एल्यूमिनियम है क्रोमियम है इटरबियम है सेरियम है लैंथनम है। सो ऐसे उन्होंने क्या किया, अरेंज करवाया अप टू द टी दैट इज द टी आई और हम बोल सकते हैं म्यूजिकल नोट्स में सारे गामा पा धा नी। नी के में देखेंगे आप ऑक्सीजन है सल्फर है फेरस है और फेरस आयन है एंड सिंपली सेलेनियम है। तो ऐसे उन्होंने टेबल बना के अरेंज करवाए। गॉट इट, सिंपल है ये कंसेप्ट, बहुत इजी है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव, व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज सिंपल, पहला एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर विद द एट्थ एलिमेंट, मींस पहला वाला का जो प्रॉपर्टीज है आने वाला जो आठवां है उसके साथ मिलती जुलती है सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और सिंपली 7 × 8 का एक बॉक्स बनाया और 7 × 8 ऐसे लाइंस पीरियड और ग्रुप्स बनाए दैट वो हम लर्न करेंगे, उनको नहीं पता था पीरियड्स एंड ग्रुप्स, बाद में उन मेंडलियव्स ने ये डेवलप किया है। बट 56 बॉक्सेस उन्होंने बनाए और वो 56 बॉक्सेस में एलिमेंट्स 56 एलिमेंट्स अरेंज करवाए। सो नाउ दिस इज द थ्योरी। सो व्हाट आर द डिफेक्ट्स, जैसा हमने देखा डोबेनारा ट्रैक्स में डिफेक्ट्स थे या लिमिटेशन थे, वैसे ही डिफेक्ट्स ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उनके क्या क्या डिफेक्ट्स थे। सो पहला डिफेक्ट्स आर वेरी सिंपल डिफेक्ट दैट इज द दिस लॉ कुड बी बेस्ट एप्लीकेबल ओनली अप टू द एलिमेंट ऑफ कैल्शियम, द कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 2020 नाउ। तो अगर मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कैल्शियम कहाँ बैठा है, 20 पे बैठा है, तो व्हाट आउट ऑफ 56 ये ओनली कहाँ तक अप्लाई हुआ है, सिर्फ कैल्शियम तक, मीन्स रिमेनिंग जो भी है हम बोल सकते हैं 36 एलिमेंट्स में ये अप्लाई हुआ है। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स कुड नॉट फिट इनटू द ऑक्टेव स्ट्रक्चर, ऑब्वियस है उनका जो भी अरेंजमेंट है वह 56 बॉक्स ही किया था, जो भी न्यू डिस्कवर्ड हो गए उसके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं थी, सिर्फ जितने हैं उसके लिए उन्होंने किया। देन थर्ड लिमिटेशन है उनका, द फीचर ऑफ रिजेम्बलेंस ऑफ द एट्थ एलिमेंट व्हेन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वाज नॉट सक्सेसफुल विद द हेवियर एलिमेंट्स। व्हाट इज द हेवियर एलिमेंट्स, जो भी हायर एटॉमिक मासेस के लिए है वो पहला और एट्थ के लिए सिंपली नहीं हुआ, जैसे कि हम बोले अब तक सिर्फ कैल्शियम तक ही हुआ है। नाउ लास्ट टू एलिमेंट्स केप्ट टुगेदर एट अ सेम प्लेस, जैसा आप पीरियडिक टेबल देखेंगे ऑक्टेव्स में उन्होंने कोबाल्ट एंड निकेल, कोबाल्ट एंड निकल एक ही इसमें अरेंज करवाया, बट एक्चुअली आज का अगर देखेंगे तो हैलोजन फैमिली में कोबाल्ट निकल आते ही नहीं है। सो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ दी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है दैट इज कॉल्ड एज अ मेंडलियव्स पीरियडिक टेबल एंड विच इज द मोस्ट सक्सेसफुल पीरियडिक मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी और लॉ फॉर पीरियडिक टेबल, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थ्योरी है। और आज मैं आपको थोड़ा मेंडलियव्स के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड उनका बताऊंगा। एक्चुअली बिफोर स्टार्ट दिस मेंडलियव्स पीरियडिक टेबल फर्स्ट वी विल सी द मेंडलियव, द नेम इज डिमित्री आई मेंडलियव 1834 to 1907 उनका पूरा लाइफ स्पैम है। उसमें उन्होंने क्या किया, सी उनका जो फैमिली था उनके फैमिली में एक्चुअली बहुत से मेंबर, बहुत ही बड़ी फैमिली थी, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे गांव में आज भी बहुत बड़ी फैमिली रहती है
हमारे मीन्स हमारे पिताजी के चार भाई हैं, पांच भाई हैं, आज है, बट वैसे ही मेंडलीव्स के फैमिली में टोटल 18 to 19 ब्रदर एंड सिस्टर थे। आउट ऑफ दैट उनके पिताजी भी सेम पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम कर रहे थे। तो अचानक से उनका देहांत हो गया, उसके बाद उसकी मम्मी ने मीन्स मदर ने उनको बहुत अच्छी तरह से सब लोगों को गाइडेंस किया, बट उनमें से आउट ऑफ 18 to 19 ब्रदर एंड सिस्टर में से उनको लगा कि दिमित्री बहुत ही इंटेलिजेंट है और उनका साइंस की तरह जो भी देखने का तरीका है बहुत ही अच्छा है और इमेजिनेशन पावर भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने उसके लिए अराउंड उनके गांव से 700 किलोमीटर्स जो भी यूनिवर्सिटी था पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग में, उनको वहाँ पे लिया, बहुत से लोगों को रिक्वेस्ट किया और वहाँ पे उनका दाखिला करवाया, दैट इज़ एडमिशन दिया उनको। तो वहाँ पे उन्होंने अपना बहुत अच्छी तरह से काम किया एंड देन ही वहाँ पे ही वो एक प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर काम करने लगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने और उनका जो हम बोलते हैं ना हाइपोथेसिस या इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छा था, वैसे ही उनका ये जो हमें ये हाइपोथेसिस और इमेजिनेशन पावर के वजह से आज हमें पता चला कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया हुआ है। सो सिंपली व्हाट ही डीड, जैसा पहले बेसिकली हम देख लेते हैं कि ये रशियन साइंटिस्ट है, उन्होंने 1869 टू 1870s तक ये सब काम किया, टेबल पीरियडिक टेबल बनाने में बहुत ही उनका एफर्ट्स लगा है। सो व्हाट ही डीड उस टाइम, जैसे कि सी वन बाय वन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोबिनारेट के ट्रायल्स के टाइम हमें 30 एलिमेंट्स पता थे, देन जब न्यूलैंड्स ऑक्टिव आए अराउंड 56 आए एलिमेंट्स नोन थे, बट एक्चुअली द पीरियड ऑफ मेंडलीव का जो पीरियड आया टाइम आया उसमें 1869 से 1872 में अराउंड 63 एलिमेंट्स उनको पता थे। तो ही इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक इट द एटॉमिक रिलेशनशिप, यू नो व्हाट इज़ द पीरियडिसिटी। एक्चुअली उन्होंने पीरियडिसिटी ये वर्ड बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इनकॉर्पोरेट किया। व्हाट इज द पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी में जैसे हम बोलते हैं ना एक सर्टन इंटरवल, इंटरवल के बाद वो फिर रिपीटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियडिसिटी। तो ये वर्ड उन्होंने एक्चुअली इंप्लीमेंट किया हुआ है और उन्होंने एक्चुअल वर्ड वो डिफाइन किया। सी अगर ये आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियडिक टेबल अगर आप देखेंगे मेंडलीव्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियडिक टेबल है। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने 8 ग्रुप बनाए। सो 8 ग्रुप जैसे बोलेंगे तो उनको न्यूमेरिकल रोमन न्यूमेरिकल्स में नाम दिए, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8। तो हर किसी का उन्होंने क्या किया, ए एंड बी ऐसे ग्रुप, सब ग्रुप बनाए, बी सब ग्रुप उसमें बी वगैरह बनाए। तो जैसे कि आप देखेंगे पीरियडिक टेबल में ग्रुप 1 में आर स्क्वायर 2 है, जैसा कि आप लग रहे हैं कि आर स्क्वायर 0 और ओ, देन आर ओ, देन आर टू ओ 3, देन आर ओ 2, देन आर टू ओ 5, देन आर ओ 3, आर टू ओ 7, आर ओ 4। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, जैसे आर फॉर एग्जाम्पल इन द ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम वगैरह वगैरह जो भी ग्रुप है, तो आर मीन्स से फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन क्या है, एच, अगर H2O, सो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज +1, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2, सो इट्स बैलेंस -2 + 2, ओवरऑल चार्ज इज 0। सिमिलरली लिथियम Li2O, ऐसे उन्होंने उस टाइम उनको नाम दिए। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम है, बेरिलियम में क्या है, RO, RO मीन्स बेरियम ऑक्साइड, उन्होंने ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऐड द ऑक्साइड्स। जैसे कि बोल सकते हैं हम कि उन्होंने क्या किए हैं, 8 वर्टिकल कॉलम्स एंड ग्रुप्स। अभी कैसे कॉलम्स क्या है, ग्रुप्स क्या है, बिफोर दैट व्हाट ही सेड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इट्स अ पीरियडिक फंक्शन, जैसा मैंने आपको बोला है कि ये पीरियडिक है, टाइम इंटरवल में रिपीटेशन हो रहा है, तो वो पीरियडिक फंक्शन है ऑफ एटॉमिक मासेस का। तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स में क्या किए, 8 वर्टिकल कॉलम्स, 8 जो है वो वर्टिकल कॉलम्स की है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजेंटल रोज, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड्स। उतना उन्होंने उनका फर्म था उस टाइम भी, आज भी हम उसको हॉरिजेंटल को कॉलम ही बोलते हैं और सॉरी हॉरिजेंटल को पीरियड्स ही बोलते हैं और वर्टिकल को कॉलम्स ही बोलते हैं। आज जो है हमारे ऑलमोस्ट 18 ग्रुप्स है
एंड यू नो सेवन रोज या पीरियड्स हैं. ओके सो उस टाइम सी एट ग्रुप्स जो भी हैं, फर्स्ट सेवन ग्रुप्स आर नॉर्मल एलिमेंट्स हैं. आउट ऑफ एट ग्रुप्स में फर्स्ट जो सेवन है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं एंड एट ग्रुप्स इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. आप अगर देखेंगे पीरियडिक टेबल तो एट में उनमें Fe, निकेल ये जो सब है, ये क्या है, रुबिडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, प्लैटियम, दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. तो पहले जो सेवन्थ एलिमेंट्स है वो नॉर्मल है एंड एट वन इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया. ओके सो नाउ नोबल गैसेस वेयर नॉट नोन एट दैट टाइम. उस टाइम नोबल गैसेस पता नहीं थे. ओके देयर वॉज नो ग्रुप फॉर नोबल गैसेस. उन्होंने वो ग्रुप नोबल गैसेस के लिए ग्रुप नहीं बना था. एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप हैव द मेनी सिमिलैरिटीज. सो ये जो सब है हॉरिजेंटल ग्रुप्स, उन्होंने जो भी हॉरिजेंटल किया दैट इज द पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स, ये सब किए. और बेसिकली पहले जो सेवन थे वो क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स थे, बट एट वाला जो था वो बेसिकली क्या था, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स था. गॉट इट. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल RO4 ट्रांजिशन एलिमेंट्स लेते हैं हम. अभी RO4, R मीन्स ऑस्मियम. ऑस्मियम अगर लिया तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड सिंपली है. ओके ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड. तो ये उन्होंने उस टाइम भी RO4 मीन्स उसका वैलेंसी या जो भी है ऑक्सीडेशन स्टेट उसके हिसाब से वो थोड़ा मैनेज करवाया था या बैलेंस किया था. सो दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी. दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स. हम बोल सकते हैं कि बेस्ट क्या था ये थ्योरी में, आउट ऑफ डोबेनायरर देन योर ऑक्टेव्स, सबसे बेस्ट क्यों था. So Mendeley was the first classification which successfully included all the elements. ये पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने all the elements बहुत अच्छी तरह से अरेंज करवाए थे और successfully all the elements include किए थे. Correct? Prediction of new elements. जो उनका new elements के लिए prediction था, जैसे कि उन्होंने blank spaces छोड़े. आप अगर आप periodic table देखते हैं तो उन्होंने उसमें blank spaces हैं जो भी छोड़े, वैकेंट स्पेसेस वेयर फॉर एलिमेंट्स दैट वेयर एट टू बी डिस्कवर्ड. उन्होंने वैकेंट इसलिए छोड़े कि जो भी नया नया एलिमेंट्स डिस्कवर होगा तो वहाँ पे वो हम वहाँ पे मीन्स फिट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ही प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अननोन एलिमेंट दैट ही इज कॉल्ड एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम. द एलिमेंट इज गैलियम वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर 4 years. करेक्ट. उन्होंने क्या किया था कि जो एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो भी वैकेंट स्पेसेस में उन्होंने किया था एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम जो वैकेंट है उसमें, बट आफ्टर 4 years गैलियम डिस्कवर्ड हुआ. गैलियम जो डिस्कवर्ड हुआ और विच इज अ वेरी क्लोजली मैच और प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ द इका एल्यूमिनियम. सो ये जो उनका हम बोल सकते ना लॉन्ग थिंकिंग या बहुत दूर का बेसिकली दूरदृष्टि जो हम बोलते हैं, तो वो उनके पास बहुत था, इसलिए ये बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी था. देन प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज. जो भी न्यू एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज है उनका पोजिशन एंड प्रेडिक्शन बहुत ही बढ़िया था, या हम बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था. जैसे कि सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन इन द पीरियडिक टेबल में, वो बहुत ही उनका पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से अरेंजमेंट करवाया था. देन एकोमोडेशन ऑफ नोबल गैसेस. उन्होंने नोबल गैसेस के लिए, व्हाट इज द नोबल गैसेस जो आज के हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रोडन. तो ये सब जो नोबल गैसेस है मेंडेलीव ने उस टाइम पीरियडिक टेबल कुड अकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वेयर डिस्कवर्ड. उन्होंने सेपरेट नोबल गैसेस के लिए जैसा भी आज हमने किया है वैसा उनके लिए था कि प्रोविजन था, अकोमोडेशन था उस टाइम भी. तो इसलिए सबसे सक्सेसफुल थ्योरी था. दैट इज द मेंडेलीव्स लॉ ऑफ दिस पीरियडिक टेबल. नाउ व्हाट आर द डिफेक्ट्स. सी कोई भी चीज़ का दो साइड है, एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. जैसा कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है बट स्मॉल या लिटिल बिट, जैसा मैंने फर्स्ट टाइम बोला था कि पेपर ब्लैंक पेपर है, वाइट पेपर है, बट हम उसमें से डॉट दिखाई देता है, एक डॉट रख दिया तो हम देख सकते हैं कि नहीं उसमें डॉट है. सिमिलरली थोड़ा जो भी कुछ उसमें डिफेक्ट्स है तो कौन से थे. द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन. तो उन्होंने उस टाइम आइसोटोप्स मीन्स व्हाट इज द आइसोटोप्स. आइसोटोप्स मीन्स सिंपली एटॉमिक, सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर.
मास नंबर मीन्स एटॉमिक मासेस, हम बोल सकते हैं कि मास जो है एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट है। से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज वन, एंड ट्रिशियम या ड्यूटेरियम लेते हैं तो मास जो भी प्रोटॉन है वो बढ़ के क्या हो जाता है, नॉट प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो जो हो जाता है 2 और 3, बट एटॉमिक नंबर इज सेम। सो जो भी आइसोटोप्स है उसके लिए उनका कोई प्रोविजन या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सेकंड, करेक्ट पोजिशन कुड नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन इन द पीरियडिक टेबल। हाइड्रोजन का जो करेक्ट पोजिशन है उन्होंने ऐसा असाइन नहीं किया था कि वो अल्कली मेटल्स में रहेगा या हैलोजन्स में रहेगा, क्योंकि क्या होता है हाइड्रोजन्स ऐसा है कि हाइड्रोजन में प्लस वन भी है और माइनस वन भी है। प्लस वन मीन्स फॉर प्रोटॉन एंड माइनस वन इज फॉर हाइड्राइड, सो लाइक अ हैलोजन फैमिली। तो वो करेक्ट पोजिशन उनको असाइन करने के लिए नहीं हुआ उस टाइम। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वे आर नॉट प्लेस सेपरेटली, जैसे कि हमने उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज का अरेंज करवाया था, बट उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सेपरेट नहीं किए थे। आज के पीरियडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि पूरा पी ब्लॉक जो है आपका वो क्या है, नॉन मेटल्स है अप्रोक्स्ड, एंड यस पी यस एंड डी ब्लॉक मैक्सिमम डी मैक्सिमम आपका मेटल्स है। वैसे तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन इन ग्रुप 8 में अगर आप देखेंगे, सो एटॉमिक नंबर मासेस ऑफ द एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, मीन्स जो भी है एटॉमिक नंबर है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, उनका वहाँ पे वो एक्सप्लेन कर नहीं पाए थे। सो बेसिकली आई थिंक आपको सब बहुत ही इजी लगा होगा, और एक्सप्लेन भी मैंने बहुत ही अच्छे तरह से ग्राउंड लेवल पे जाके एक्सप्लेन किया है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। सो बेसिकली हमने मैं थोड़ा जस्ट 1 मिनट्स में आपको रिवीजन करके देता हूँ कि हमने क्लासिफिकेशंस देखे, तो क्लासिफिकेशंस में पहले जो थे एंटोइन लॉयजर, उन्होंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऐसे दो टाइप्स के एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किए थे, बट एक्चुअली जैसे ही हमारे डोबेनारा ट्रायड से उन्होंने हम बोल सकते हैं कि 1817 में उन्होंने ट्रायड्स तीन तीन ग्रुप के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एट हायर एटॉमिक मासेस के उन्होंने ग्रुप्स किए, और उसमें से जो मिडल वाला है दोनों का एटॉमिक मास का बेरिज करके जो मीन निकाला है उसमें जो मिडल वाला का आता है वैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया। सिमिलरली जैसे हम बोलेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव, उन्होंने क्या किया, उसके नाम में ही ऑक्टेव्स है, मीन्स व्हाट, जैसा म्यूजिकल नोट बनाया सारे गमा पादा निसा के जैसा, तो उसमें उन्होंने पहला वाला जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली जो प्रॉपर्टी शो करता है वो एट वाला भी प्रॉपर्टी शो करता है या हमें दिखाता है या प्रॉपर्टीज़ उनकी सिमिलर है, इसलिए हमने वो अरेंज करवाए या न्यूलैंड साहब ने उन्होंने ये अरेंज करवा के हमें दिए। ओके, नाउ एंड मोस्ट सक्सेसफुल थेरीज इज मेंडलीव्स। मेंडलीव्स ने सिंपल क्या किया, 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स में ग्रुप्स बनाए, दैट इज द 8th ग्रुप। तो पहले 7 ग्रुप जो थे उन्होंने कैसे मिले नॉर्मल एलिमेंट्स के, बट 8th ग्रुप इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो दिस इज द बेसिकली पीरियडिक टेबल। सो होप्स कि आपको सब अंडरस्टैंड हो गया होगा। दैट्स ऑल।